हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं बल्कि माया मेरे अधीन है, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती तो माया के रचे हुए सुख या दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के माया जाल में भरमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा इनसे अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? जीव आत्मा। जीव आत्मा? हाँ पार्थ, जीव आत्मा। ये जीव आत्मा क्या है केशव? मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय कोश को धारण करके आगे जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में उसके साथ पुराने जन्म के संस्कार, उसकी भली बुरी वृत्तियां, उसके पापों और पुण्य के हिसाब इस प्रकार उसके साथ जाते हैं जैसे वायु अपने साथ फूलों की सुगंध ले जाती है। हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो कृपा होगी। पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्युलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्युलोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। हे केशव, हमारी धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म अथवा मृत्यु नहीं होती? नहीं अर्जुन, उन लोकों में प्राणी का न जन्म होता है और न मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है और न मरती है। तुमने तो ये भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते, परंतु अभी कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब यह है कि आत्मा को केवल पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को भी सुख या दुख भोगने पड़ते हैं? नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं बल्कि माया मेरे अधीन है, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती तो माया के रचे हुए सुख या दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के माया जाल में भरमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा इनसे अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? जीव आत्मा। जीव आत्मा? हाँ पार्थ, जीव आत्मा। ये
जीव आत्मा क्या है केशव? देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। नहीं अर्जुन, यह व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है। वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को एक बर्तन में भरकर ले जाए तो वह समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। हे महादेव, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा की व्याख्या करते करते मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। मेरी ये जानने की इच्छा है कि इस सूक्ष्म शरीर का आकार क्या होता है। देवी, सूक्ष्म शरीर का आकार प्राणी के बाहरी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, परंतु वो बहुत छोटा होता है, अति लघु रूप और इतना सूक्ष्म होता है कि साधारण मानवीय चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। प्रभु, भले ही छोटा है पर है तो शरीर, फिर क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उस शरीर में पृथ्वी और जल जैसे स्थूल तत्व नहीं होते, इसलिए स्थूल चक्षुओं को वो दिखाई नहीं देता। देवी, भगवान की इस महाविशाल सृष्टि में भिन्न भिन्न लोकों में रहने वाले जीवों के शरीर भिन्न भिन्न तत्वों से बने होते हैं। भगवान, मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, परंतु उसके अंदर सूक्ष्म शरीर एक ही होता है? नहीं देवी, उस स्थूल शरीर के अंदर भिन्न भिन्न स्तर पर 5 शरीर होते हैं। पहला, अन्नमय कोश, जो बाहर का स्थूल शरीर है जिसे देखा जा सकता है। दूसरा, प्राणमय कोश, यहां से सूक्ष्म शरीर आरंभ होता है जिसे देखा नहीं जा सकता, यह प्राण शक्ति का केंद्र होता है। तीसरा, मनोमय कोश, यह शरीर प्राणमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म होता है, यह मन के विचारों से बना होता है, ये सूक्ष्म होता है, अर्थात साधारण नेत्रों की दृष्टि द्वारा इसे देखा नहीं जा सकता, परंतु जो ज्ञानी सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो इसे देख सकते हैं। मनोमय कोश के बाद जो चौथा शरीर है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसमें प्राणी का सारा ज्ञान समाहित होता है। पांचवा, आनंदमय कोश है, ये शरीर अति सूक्ष्म है, इसी में आत्मा का निवास है। परंतु इन शरीरों में से कौन सा कोश अथवा कौन सा शरीर जीव आत्मा के साथ जाता है? देवी, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय कोश को धारण करके आगे जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में उसके साथ पुराने जन्म के संस्कार, उसकी भली बुरी वृत्तियां, उसके पापों और पुण्य के हिसाब इस प्रकार उसके साथ जाते हैं जैसे वायु अपने साथ फूलों की सुगंध ले जाती है।
इस शरीर में सुन अर्जुन एक सूक्ष्म शरीर समाए रे ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा कहलाए रे मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा कर्म की धारा भक्ति की धारा अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा करता रहा स्नान जग सारा सब धर्मों के भेद भुला के एक में
कर मेरी भक्ति में खोया, शोक न कर मेरी भक्ति में खोया। धर्म अधर्म के भेदों से न्यार है, अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, विद्वात स्वामी सखा हमारे, विद्वात स्वामी सखा Krishna, 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 Krishna.